नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। फ्रेंड्स, 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन अथवा डियरनेस रिलीफ डीआर, इसके संबंध में डीएफएस ने ऑलरेडी अप्रूवल दिया था और आईबीए का जो नोटिफिकेशन था या जो बैंकों को जाना था वो भी 16 अक्टूबर को भेजा जा चुका। उसकी कॉपी अब आप सामने आई है और उसमें कुछ खास सारी बातें वहीं लिखी हुई हैं कि डीआर टू बी पेड एट यूनिफॉर्म रेट अप्लीकेबल टू लोएस्ट स्लैब ऑफ बेसिक पेंशन इन द एग्जिस्टिंग डीआर फ्रेमवर्क टू ऑल पेंशनर फैमिली पेंशन रिटायर्ड प्रायर टू 1 नवंबर 2002। ₹800 and ₹450 पर मंथ टू बी पेड एज एक्स ग्रेसिया अमाउंट एज ए स्टैंड अलोन बेनिफिट विच विल नॉट अट्रैक्ट डीआर टू पेंशनर फैमिली पेंशनर फॉलिंग अंडर फर्स्ट स्लैब ऑफ द बेसिक पेंशन एंड ड्राइंग हायर डीआर एंड सेकेंड स्लैब ऑफ बेसिक पेंशन अट्रैक्टिंग सेकेंड हाइएस्ट डीआर इन द प्रेजेंट फ्रेमवर्क रिस्पेक्टिवली द एक्स ग्रेसिया अमाउंट शैल बी एब्जॉर्ब इन फ्यूचर चेंज इन पेंशन स्ट्रक्चर इफ एनी। यानी कोई भी अगर कोई चेंजेज आता है तब उसके बारे में हम सोचेंगे। नो एरियर शैल बी पेएबल फॉर द पीरियड्स फेलिंग प्रायर टू 1 अक्टूबर 2023। और उसके बाद उन्होंने वो चार्ट दिया है, वो चार्ट फेमिलियर होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि आपको कैलकुलेशन के समय क्या हो सकता होगी। लेकिन सबसे जो मैं समरी के रूप से बता रहा हूं, ये फॉर पेंशनर फैमिली पेंशनर ऑफ द पीरियड फ्रॉम 1 January 86 to 31 October 92 / 30 June 93, ये इट शुड बी 1386.90%। ये यूनिफॉर्म रेट होगा। फिर सेकेंड स्लैब में फॉर पेंशनर फैमिली पेंशनर्स ऑफ द पीरियड फ्रॉम 1 November 92 / 1 July 93 to 31 March 98, ये होगा 776.55%। और थर्ड कैटेगरी होगा फ्रॉम 1 April 98 to 31 October 2002, इसका जो डी रेट होगा 431.76%। ये समरी है, बाकी चार्ट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। और फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द बैंकों ने इसका पेमेंट कर दिया है और कुछ बैंक जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी इसका पेमेंट आज ही कुछ उसका जो डिफरेंस अमाउंट थे क्योंकि अक्टूबर का पेंशन वो पेमेंट कर चुके थे, सो उन्होंने जो अक्टूबर का अमाउंट का जो डीए का अमाउंट था उन्होंने पे किया है। और कुछ बैंकों ने अक्टूबर की पेंशन के साथ पेमेंट किया, लेकिन जैसे इंडियन बैंक ने, और कुछ बैंकों ने अभी जो नहीं किया था उन्होंने एश्योर किया है कि वो नवंबर माह का जो पेंशन आएगा उसमें अक्टूबर का बढ़ा हुआ डीए प्लस नवंबर के पेंशन के साथ उसका भी पेमेंट दिसंबर के फर्स्ट डेट को करेंगे जब उनका पेंशन का डेट पेमेंट होता है। सो फ्रेंड, ये सर्कुलर की कॉपी उपलब्ध कराता हूं आपको और ये चार्ट आप देख सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।